गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। आज मैं चीकू की वीडियो बनाने लगी हूँ, चीकू के प्लांट की, और इस पर मैंने माशाल्लाह बहुत सारी फ्लावरिंग देखी है और फ्रूटिंग भी, तो सोचा चलिए। इतना शदीद हवाएं चल रही हैं जिसे झक्खड़ कहा जाता है, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊँ। काफ़ी दिन हो गए, ये देखिए जी, हर हर टहनी पर ये रूट लगा हुआ है, और ये कराची में बहुत कॉमन है, इसकी केयर भी बहुत इजी है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। या ये कि हम आदि हो गए हैं तो हमें इतनी फील नहीं होती कि भाई इसकी केयर ज़्यादा करनी है, लेकिन केयर क्या करनी होती है, बस आप इसके सनलाइट का ख्याल कीजिए। अगर आपका पॉट में लगा हुआ है या कंटेनर में, तो उसे ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको फुल सनलाइट हो, चाहे 6 घंटे की आए 7 घंटे की आए, सनलाइट पूरी होनी चाहिए। सनलाइट की वजह से इसके ऊपर ना स्पाइडर माइट्स होते हैं ना मेलीबग्स। लेकिन अगर इसको शेडेड एरिया में रखा है या थोड़ी देर की धूप आती है, तो ये दोनों चीज़ें ही इस पर हो सकती हैं। मैं इसको अब रूट से दिखा रही हूँ। इसके दाएँ बाएँ हमने ये केज सा बना दिया है अपने चकोरों के लिए, और ये मेरे पास तकरीबन 7 या 8 साल से है, 7.5 या 8 साल से पौधा है। अगर आप नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो उस वक्त भी ये इस पर एक आध ज़रूर चीकू लगा हुआ होता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, उस पर चीकू एक लगा हुआ था या दो, तो बाकी ये कि इसको ज़मीन में लगा हुआ है। ज़मीन में लगे होने की वजह से इसका एक एडवांटेज ये होता है कि पानी जो है इसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। अगर आपका पॉट में भी लगा हुआ है, जाहिर है कि 16 या 18 इंच के पॉट में होगा, तो आप भी उसको रेगुलर पानी ना दीजिए। पानी को एक दिन के गैप से दीजिए, या बिल्कुल सिंपल तरीका ये होता है कि आप ना थोड़ा सा उसको उंगली से चेक कर लीजिए सॉइल को हटा के। अगर वो 1.5 इंच तक भी थोड़ा सा आपको नमी नज़र आती है तो आप उसको पानी ना दीजिए, और 1.5 इंच से ज़्यादा हो तो फिर उसको पानी दीजिए। और अगर ज़मीन में लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है ज़मीन में, तो फिर आप उसको 2 दिन के वक्त से पानी दीजिए। या इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं और होना चाहिए, ये भी हमारे इंसानों की तरह इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, फर्टिलाइज़र की, तो ज़रूर केयर करनी चाहिए। और बहुत अच्छा ये होता है कि अगर घर के अंदर फ्रूट ट्री हो तो इसकी तो अच्छी कोई बात ही नहीं होती, और अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है तो आप इसको 2 दिन के गैप से पानी दीजिए। अब हम बात करेंगे जी फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र जो है, आपने मेरे हिसाब से सबसे अच्छा, मैंने तो गोबर की खाद ही पाया है। अगर आप चाहें तो केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिए, सिर्फ गोबर की खाद देती हूँ। और इसको साल में 2 दफ़ा देते हैं, 2 दफ़ा भी इसलिए देते हैं क्योंकि 2 दफ़ा ही साल में फ्रूट देता है। अब 2 दफ़ा फ्रूटिंग होती है तो फिर उस प्लांट को एनर्जी चाहिए, इसलिए हम इसको 2 दफ़ा गोबर की खाद देते हैं। और इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती, आज हवा शदीद चल रही है इसलिए बहुत ज़्यादा ही लहरा रहा है। अच्छा, जैसे जैसे ये हाइट पे जा रहा है, वहाँ पर इसके जो फ्रूट है वो काफ़ी हेल्दी हो गया है, बनिस्बत जो नीचे वाली टहनियाँ हैं उनके बजाय, ये इसकी जो है ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग है इसके ऊपर, और हेल्दी है। जो ऊपर की साइड में है वो, जिस पर सन लाइट पूरी आ रही है, वो ज़्यादा हेल्दी है बनिस्बत नीचे के, जो नीचे की टहनियाँ हैं। और इसकी जो है सनलाइट और वाटरिंग की बात मैंने कर ली, और फर्टिलाइज़र की भी। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो है चीकू है, या हमारे यहाँ कराची में शरीफा होता है, अमरूद होता है, ये 3-4 ऐसे फ्रूट्स हैं जो रेगुलर फ्रूटिंग देते हैं। अगर आपके घर में है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती, 4-6 दाने रेगुलर ही घर में निकलते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, एक और टिप आपके लिए बताऊं कि अगर आपके घर में नीम का दरख्त है या सराउंडिंग में है, तो आप उसके पत्ते इकट्ठे करवा लिया कीजिए, उसका चूरा कर लीजिए, और जो इसके कोई भी फ्रूट ट्री है उसके सराउंडिंग में गढ़ा करके 1.5-2 इंच दूर से पूरा भर दीजिए, और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। यकीन कीजिए किसी भी किस्म का कीड़ा नहीं लगेगा, और किसी भी फ्रूट ट्री में जी, मेरा बिल्कुल जी आजमाया हुआ नुस्खा है, और इस तरह करने से प्लांट भी हेल्दी रहता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
है।